हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच किस तरह से वर्क करता है। पहले मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देता हूं कि ये जो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आप देख रहे हैं, ये एक लेटेस्ट मॉडल का डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, जिसमें कि अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो में और इस डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में इतना डिफरेंस है कि जो ये न्यू मॉडल है, इसमें हम एक कमांड के द्वारा BMS मतलब के बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे उसका कमांड देख सकते हैं कि उसमें जो फिल्टर लगा हुआ है HU में या फिर फैन कोयल में, उसमें डल्टी है, मतलब कि फिल्टर डल्टी है या नहीं है। मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है जो कि हमें कमांड देता है BMS सिस्टम पे। और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक ओल्ड मॉडल है, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, बस दोनों में यही डिफरेंस है। दोनों का काम सेम है, बस हमें BMS सिस्टम पे बैठे बैठे ये नहीं पता चलेगा कि जो HU का फिल्टर है जहाँ पे ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा हुआ है, वो फिल्टर अभी गंदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए, आपने देखा कि नया वाला किस तरह का होता है। अब हम देखते हैं कि जो ओल्ड डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है वो किस तरह का होता है। दोनों का काम बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि ओल्ड मॉडल में कोई भी इलेक्ट्रिकल कमांड नहीं है जो कि हमें बिजनेस मैनेजमेंट तक पता चल सके, मतलब कि BMS तक पता चल सके कि फिल्टर गंदा हुआ है या नहीं हुआ है। और जो ओल्ड मॉडल है उसमें यह नहीं पता चल सकता है, न्यू मॉडल में हमें पता चल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, जिसका कि एक लाइन रिटर्न के साइड में है। जो रिटर्न लाइन इस जगह से आ रहा है, ये इसका रिटर्न लाइन है। ये रिटर्न लाइन इधर से होते हुए यहाँ से इस सेक्शन से हवा होते हुए ये फिल्टर सेक्शन है। ये जो डोर है ये फिल्टर सेक्शन का डोर है। इसके बाद यहाँ पे ये ब्लोअर सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं एक जो पॉइंट है ये इसका फिल्टर से पहले लगा हुआ है, और एक जो सेक्शन है इस जगह से ये आकर फिल्टर के बाद लगा हुआ है। तो ये दोनों का डिफरेंस बताता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा हाई है कौन सा लो है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई और उसके नीचे लिखा हुआ है प्रेशर। इस जगह पे लिखा हुआ है प्रेशर। और जो उसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे है लो और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर। तो जो ये नीचे वाला जो पाइप है, जो ये नीचे का पाइप है, ये फिल्टर के बाद का है, मतलब कि ब्लोअर साइड का। और जो हाई वाला जो कनेक्ट होगा वो होगा फिल्टर से पहले। तो ये दो पॉइंट इस डिफरेंशियल प्रेशर स्विच पे होता है। ये ओल्ड मॉडल है जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं है। अभी जो न्यू मॉडल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है, जिसमें कि एक कॉमन पॉइंट, एक NO पॉइंट और एक NC पॉइंट। जब इस रिटर्न एयर का और सप्लाई एयर का डिफरेंस सही होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी अगर हम इसे 2 पे सेट करते हैं, तो अगर इसका डिफरेंस 2 पे ही रहेगा तो कॉमन पॉइंट और NC पॉइंट ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। जैसे इसका प्रेशर 2 से ज़्यादा बढ़ेगा तो जो कॉमन पॉइंट और NC पॉइंट कनेक्टेड था वो NC पॉइंट NO हो जाएगा, और कॉमन पॉइंट कनेक्टेड हो जाएगा NO पॉइंट से। जो पहले से दूसरा NO था वो NC बन जाएगा और कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे कि कमांड जाता है BMS को और हमें ये पता चलता है कि जो फिल्टर है वो गंदा हो चुका है। अभी मैं आपको इसको खोलकर दिखाऊंगा कि ये किस तरह से कनेक्टेड है। इसका जो काम है वो ये है कि मान लीजिए अगर हम इसे अभी, ये तो ऑफ है, ये सिस्टम अभी ऑफ है, ये गैस भी वर्किंग में नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो पे है। तो अगर मान लीजिए हम इसे इस 1 पे सेट करते हैं, अगर हम इसे इस 1 पे सेट करते हैं तो क्या होगा कि जब हम इसे 1 पे सेट कर देंगे तो ये डिफरेंस प्रेशर हो जाएगा, मतलब कि जो रिटर्न का प्रेशर है उसमें और फिल्टर के बाद जो हवा बाहर आ रहा है उसमें कितना का प्रेशर है। तो अगर हम उस प्रेशर को चेक करने के बाद, फिल्टर को रिप्लेस करने के बाद देख लेंगे कि कितना प्रेशर है, उस हिसाब से अगर हम 1 पे या 2 पे प्रेशर सेट करते हैं तो जब फिल्टर गंदा होगा तो धीरे धीरे दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा। मतलब जो जो हवा इस साइड से इन करेगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा,
और जो फिल्टर होगा, फिल्टर गंदा हो जाने के बाद जो हवा फिल्टर को सेक्शन को क्रॉस करेगा उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से इसके हाई साइड का और लो साइड का, हाई साइड का और लो साइड का दोनों का जब डिफरेंस, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब ये प्रेशर ज़्यादा होगा और इस साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा और इस साइड का प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा वो क्या होगा, ये जो कांटा है ये अगर हम इसे 2 पे सेट करते हैं तो ये 2 से भी आगे जाएगा, इस 2 से भी अगर आगे जाएगा, तो जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो फिल्टर है वो फिल्टर गंदा हो चुका है, जिस वजह से इसके हाई साइड और लो साइड दोनों जगह का जो प्रेशर है उसका डिफरेंस ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम इसे ओपन कर कर देखते हैं कि किस तरह पे इसका ये कनेक्टेड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो चलिए हम एचयू को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने इस डोर को ओपन किया है, अब यहाँ पे ये है हाई साइड, तो हाई साइड इस जगह पे ये कनेक्टेड है, ये वाला ये पॉइंट पहले का कनेक्टेड है जो कि यहाँ से टूटा हुआ है, इस जगह का, इस जगह पे एक है जो कि एक जो है ये एक प्राइमरी फिल्टर के बाद आता है, तो ये एक प्राइमरी फिल्टर के लिए है, इस जगह पे देखिए एक प्राइमरी फिल्टर के बाद आएगा और एक प्राइमरी के बाद से लेकर दो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो फिल्टर लगा हुआ है, देखिए एक प्राइमरी फिल्टर है और एक सेकेंडरी फिल्टर है, तो यहाँ पे जो एक यूज़ किया गया है ये रिटर्न लाइन से लेकर प्राइमरी फिल्टर के बाद जो कि यहाँ से टूट गया है, ये इसका ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट टूटा हुआ है ये पॉइंट है, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक यूज़ किया गया है ये वाला, तो ये रिटर्न लाइन से लेकर प्राइमरी फिल्टर के बाद का डिफरेंस बताएगा, मतलब कि इस जगह का, ये इसका रिटर्न लाइन है और ये प्राइमरी फिल्टर के बाद का है, तो ये जब बंद होगा, देखिए ये जब बंद होगा तो ये प्राइमरी फिल्टर के बाद आएगा इस जगह पे, तो एक जो यहाँ पे गेज है ये रिटर्न लाइन का प्रेशर और वहाँ से लेकर प्राइमरी फिल्टर के बाद का प्रेशर बताएगा, और जो दूसरा गेज है ये वाला, देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा गेज है इसका हाई साइड, ये जो डिफरेंस बताएगा ये प्राइमरी फिल्टर के बाद से, मतलब कि देखिए इस जगह से प्राइमरी फिल्टर के बाद से ये बताएगा सेकेंडरी फिल्टर के बाद तक, सेकेंडरी फिल्टर का पॉइंट हम देखते हैं किस जगह पे है। तो अभी इसके लिए मुझे ये फ़िल्टर को रिमूव करना होगा, जो कि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये जो सेकेंडरी फ़िल्टर है, सेकेंडरी फ़िल्टर के बाद और कोई फ़िल्टर नहीं होता है, फिर उसको हो जाता है ब्लोअर सेक्शन, जो कि इस जगह पे कनेक्टेड है, यहाँ तक डोर है, आप देख सकते हैं कि ये डोर तक ही ये फ़िल्टर है और डोर के बाद ये इसका दूसरा लाइन कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी फ़िल्टर से पहले, मतलब कि ये जो सेकेंडरी फ़िल्टर है, जो दूसरा गेज है वो सेकेंडरी फ़िल्टर से पहले का प्रेशर और सेकेंडरी फ़िल्टर के बाद का प्रेशर को का जो डिफरेंस होगा वो बताएगा, और जो इस जगह पे जो पहला गेज है जो कि टूटा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से टूटा हुआ है, ये जो डिफरेंस बताएगा, ये जो डिफरेंस बताएगा ये रिटर्न लाइन का प्रेशर जो यहाँ से आ रहा है, रिटर्न लाइन का प्रेशर और प्राइमरी फ़िल्टर के बाद का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो बताएगा, मतलब इस गेज को हम देखकर ये समझ सकते हैं कि हमारा प्राइमरी फ़िल्टर जो है वो गंदा हुआ है या नहीं हुआ है, और जो दूसरा गेज है इस जगह पे, इसे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी फ़िल्टर है वो गंदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ इस तरह से ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच वर्क करता है, देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई और इसके नीचे है लो, हाई साइड और लो साइड, हाई साइड जो ऊपर वाला है ये हाई साइड है, ये फ़िल्टर के पहले है, मतलब के सेकेंडरी फ़िल्टर से ये पहले इन करेगा, और जो दूसरा है नीचे वाला लो साइड वो प्राइमरी फ़िल्टर के बाद, सेकेंडरी फ़िल्टर के बाद आएगा, इस जगह पे आएगा, मतलब के पूरे फ़िल्टर सेक्शन के बाद का प्रेशर और यहाँ पे सेकेंडरी फ़िल्टर से पहले का प्रेशर, कुछ इस तरह से हम इसके डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे दो फिल्टर है इसलिए यहाँ पे दो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच यूज़ किया गया है, और कुछ तरह से ये इस जगह से सेंस करता है कि इसका जो एयर का प्रेशर है वो कितना है। तो अभी जो आपने वीडियो देखा ये एक डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, जिसमें के जो एचयू में दो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा हुआ है,
एक जो कि रिटर्न लाइन से होते हुए, रिटर्न लाइन से जो एयर का सप्लाई आ रहा है, उसके बाद एक प्राइमरी फिल्टर है जैसा कि देखा आपने, और उसके बाद एक सेकेंडरी फिल्टर है। तो जो पहला जो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है वो रिटर्न लाइन का प्रेशर और पहले फिल्टर के बाद का प्रेशर को शो करेगा डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में, और जो दूसरा डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है वो प्राइमरी फिल्टर के, मतलब कि पहला फिल्टर के बाद का प्रेशर और सेकेंडरी फिल्टर के बाद का प्रेशर, मतलब कि जो सेकेंडरी फिल्टर आपने देखा जो मोटा फिल्टर है उसके पहले का प्रेशर और उसके बाद का प्रेशर दोनों को मेजर करेगा, और वो आपको दूसरे वाले डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में दिखा देगा। तो कुछ इस तरह से डिफरेंशियल प्रेशर स्विच वर्क करता है, मतलब कि रिटर्न लाइन का जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो और फिल्टर के बाद अगर जो उसका प्रेशर हो वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा सेट पॉइंट के मुताबिक। मतलब कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में अगर हम 20 PSIG सेट करते हैं या 10 PSIG जितना भी सेट करते हैं, अगर इस दोनों का डिफरेंस अगर हम 10 सेट किए हैं और प्रेशर अगर 10 से ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो दोनों में डिफरेंस आना था वो डिफरेंस 10 से ज़्यादा हो गया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो फिल्टर हमने उसमें लगाया है वो फिल्टर गंदा हो चुका है। तो कुछ इस तरह से डिफरेंशियल प्रेशर स्विच वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह के नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू।